अरे कुत्ते, कमीने जैसे इंसान है यार। संडास की कड़ी टूट गई है। अरे तो अच्छा कोई गाना गुनगुनाओ यार। ये क्या गाना गाते हो? आती नहीं, आती नहीं। अबे नहीं आती हो तो जुलाब की गोली ले। मुझे क्यों कह रहा है यार? पिल्ले गगन के तरह धरती का बोझ पले। मेरा पोपट यहाँ क्या कर रहा है यार? रमी बाबू, इस उम्र में तू ऐसी किताब पढ़ता है? मुझे बता, इस किताब तुझे किसने दी? मुझे आनंद चाचा ने दी। तू सच बोल रहा है? ये किताब तुझे आनंद ने दी है? मैं सच कह रहा हूँ। उन्होंने कहा ये पढ़ ले, सीख ले, फिर तेरे बापू को बोलेंगे और तेरी शादी कराएंगे। बापू शादी कराओ ना। चुप है, पहले मुझे बता आनंद का बच्चा कहा है? आनंद का बच्चा? आनंद का बच्चा अंदर खाना खा रहा है। तू सच कह रहा है किताब तुझे आनंद ने दी है? मैं सच कह रहा हूँ बापू। दूसरी भी है, बताओ बता बता। आराम कौन कौन? मैं। नालायक कौन? तू। जाना चल बापू। ला ला यार, थोड़ी गीली है, संभाल लेना। ये किताब गीली क्यों है रे? ओ बारिश हो रही थी ना। बापू का मस्त तो फोटो है ना, एकदम एक एक आइटम लोग है यार। ये देखो जो उल्टा लेता है ना, वो आपके जैसा ही दिखता है। ये साले, तू मुझे ऐसा देखता है? कमीने इंसान साले, इस उम्र में तू ऐसा धंधा करता है? अरे धंधा मैं क्या करता हूँ? धंधा तो आप करते हो। धंधा के सामने जबान क्या होता है? चल बापू बापू करता है। आनंद, हे आनंद भाड़ा, कुछ भी मचा कुचा नहीं, आगे बढ़ो। हाँ ठीक है चलो। ए, पहले तू बाहर आ, तेको दिखाता हूँ क्या बच्चा है। मेरे बच्चे को बिगाड़ता है साला। अरे आ रहा हूँ दो मिनट में। आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अमृत लाल, आपकी तो पुलिस चौकी में बड़ी पहचान है ना? हाँ, और मुझे लगता है वो पहचान मेरी आज काम में आ जाएगी। आज क्या काम में आएगी? सब कुछ तो हो गया। नहीं नहीं, अभी तो शुरुआत हुई। आनंद भाई, आनंद भाई, ये किताब आपने मेरे पोपट को दी? ये नहीं दिए, मस्त है ना एकदम। अरे ये किताब आपने मेरे पोपट को दी है? आपको पता है ऐसी किताबें रखना कानूनन गुनाह है। हा? ऐसी किताबें कानूनन जुर्म है। हा? ऐसी किताब छोटे बच्चे पढ़ते उनके दिमाग की हूँ हो जाती है। आपकी भी हूँ हो गई? हो गई साले, ऐसी किताबें रखते तू इंसान है कि गधा है साले? निकले से कुछ बोलना यार, इसको समझा। क्या है अमृतलाल, क्यों चिल्ला रहे हो यार फुकट में? फुकट में नहीं चिल्ला रहा हूँ, दांत में अटक गया। ऐसा ऐसा करता है, ये देख ऐसी ऐसी किताबें मेरे पोपट को दिखाता है। देख तू उसको बोल रहा है यार, ये मेरी किताबें नहीं है। ये किताब तुम्हारी नहीं है? नहीं है। ये किताबें तुम्हारी नहीं है? नहीं है। ये किताब तेरी नहीं है? नहीं है। मैं इसे फाड़ डालता हूँ। फाड़ डालो, चीर डालो, जला डालो, गोल गोल घुमा के जहाँ डालना वहां डालो। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ये किताब ले जाके मैं तेरी बीवी को दिखाऊंगा। लाल, ऐसी किताबें तुम अगर उसकी बीवी को दिखाओगे तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? क्या बात है, और ये वैसी किताबें मेरे पोपट को दिखाता है, उसका कुछ नहीं है। ये किताबें जब मैं दिखाऊंगा ना तेरी वाइफ को, तब पता चलेगा ये किताब तेरी है कि नहीं। साला तेरे को बहुत फिट कराऊंगा, याद रखना। मेरे पोपट को बिगड़ता है और टकले तेरे को भी फिट करेंगे साले। चिथड़ा चल। अरे अमृतलाल, अरे अमृतलाल मेरी बात तो सुनिए। अरे यार ये किताबें मेरी वाइफ को बताएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे क्या खाक प्रॉब्लम होगा? क्यों, ऊपर किताब के ऊपर तेरा नाम लिखा है? नहीं यार, अंदर एक भी तस्वीर तेरी है क्या? नहीं नहीं। फिर काय को इतना टेंशन ले रहा है? रोज रात को मैं यही किताबें दिखाता हूँ। ए अमृत, ए साला ये देख जाएगा ना, मुझसे जालेगी। कौन इतनी आवाज कर रहा है? अरे कुछ नहीं, अमृतलाल और आनंद हर रोज का है। तुम तैयार हो? चलो चलते। मैं क्या बोल रही थी, यहाँ ये ना, हाँ। डॉक्टर के पास आप मेरे साथ आएंगे तो डॉक्टर हम दोनों के बारे में क्या सोचेगा? अरे मुझे साथ में नहीं लेके जाएगी तो क्या पोपट को साथ में लेके जाएगी? मैं सोच रही थी चित्रा दीदी आ जाए तो। तुझे कहा ना, अभी तेरी दीदी को कुछ भी नहीं बताना है। तो आप झगड़ा क्यों करते हो? दो इंसान तो घर में रहते हो। दो नहीं, एक ही इंसान रहता है। ये जो दिखता है ना, यही इंसान है। तुम्हारी बहन को अपनी माँ की तरह झगड़ा किए बगैर खाना हजम नहीं होता। अरे सलाम, मौसी ना मिली, पिक्चर देखने गया, उतने में तो इतना बड़ा। बस बस बस, मेरे साथ ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है। एक प्यार की बात भी नहीं कर सकते आप? मैं तो तुमसे प्यार ही करता हूँ जान मेरी, मतलब
तुमसे मैं प्यार से ही पेश आता हूँ, आराम से जाओ और अच्छी तरह तैयार हो जाना। अच्छी तरह तैयार हो जाना, क्या बात है, क्या बात है निखिलेश भाई है? मतलब आनंद भाई जो कुछ भी कह रहे थे वो सही था। क्या सही था? यही कि तुमने तुम्हारी साली को घर में बिठा लिया है, उसे प्रेग्नेंट किया है और बीबी को घर से भगा दिया है। ओ अमृतलाल, जरा मुंह संभाल के बात करना। वाह 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 वाह, आप करते वक्त कुछ भी कर सकते हो और हम बोल भी नहीं सकते। आप जो सब कुछ करे वो जायज है, हम करे वो नाजायज है। तुम्हारा दूध दूध, मेरा दूध पानी। मेरा दूध? चले कुत्ते इंसान, तुम्हारी बीबी क्या बोले पहले ये बताओ। वो उसके मैके गई है। शाबाश, बीबी मैके। हाँ। और साली घर के अंदर। हाँ। प्रेग्नेंट बैठी है ना। देखो तुम्हारी कुछ गलत फहमी हो रही है। गलत फहमी मेरी नहीं, गलत फहमी तुम्हारी हुई है। आज रात को मैं सोसाइटी की मीटिंग बुलाऊंगा। हाँ, और सोसाइटी की मीटिंग में हम लोग डिसाइड करेंगे कि दूध में तूने कितना पानी मिलाया, समझे? अरे कमाल है, उसमें मीटिंग बुलाने की क्या जरूरत है? नहीं मालूम पड़ेगा तूने क्या क्या लफड़ा किया है। यहाँ पे इज्जतदार लोग रहते हैं, समझे? तेरे से चालू आइटम नहीं रहती है इधर। मैं चालू आइटम नहीं हूँ, जरा मुंह संभाल के बात करो। देखो साले चिथड़ा, तेरी तेरी अपरोध बात सुन। इसको संभाल, टकले को साला, बहुत बिगड़ गया है। चल यार, तू इधर आ, तू इधर आ। ये अमृतलाल बोल रहा है कि शाम को सोसाइटी की मीटिंग बुलाएगा। यार कैसे मीटिंग बुलाएगा? हाँ कैसे मीटिंग बुलाएगा? वो अपने मटके के अड्डे पे जाएगा कि मीटिंग बुलाएगा यार? अरे लेकिन अगर पूरा गांव जमा हो गया और ये सोचेगा कि मैंने अपनी साली को प्रेग्नेंट करके घर पे बिठा, क्या क्या सोचेंगे मेरे बारे में? सोच तू शांत हो जा बेटे, मैं हूँ ना, वो तेरी साली है ना, वो तैयार हो गई, तो उसको लेके जा डॉक्टर के पास। चलिए मैं तैयार। अरे वाह, तैयार हो गई, जा जा जा, तुम लोग जाओ। मोर्चा आएगा तो मैं संभालूंगा। मोर्चा? कुछ नहीं, मिर्ची कुछ नहीं, मैं हूं ना, चलो संभाल। धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे। चौथा है ना, धीरे धीरे। चौथा नहीं, तीसरा है तेरे लिए, मेरे लिए चौथा है। तू जा, तेरा इसमें हाथ था क्या? हाथ बात थोड़ी अभी दिखाने का रहता है। तू जा, तू जा रे, मैं हूं ना, मैं संभालूंगा, जा। निकले संभाल के लेके जाना। अभी क्या छोड़ने तक आएगा? हाथ मत लगाना। हाथ नहीं गया। ये आनंद का? हाँ। ये कौन थी? ये निखिलेश की साली थी। हाँ? हाँ? ये आनंद तो मिली, इसके साथ शादी कराओ ना। शादी कराओ तो तेरी इधर। तूने साले तेरे बाप को वो किताबें क्यों दिखाई? मैंने क्या बताई, वो तो मैं पढ़ रहा था ना, तो उन्होंने आके पीछे से छीन ली। पीछे से छीन ली? और तेरे बाप को तूने ये बताया कि किताबें मैंने तुझे दी थी? अरे दी थी तो दी थी ना, वो भी कुछ सीखेंगे ना आनंद चाचा, इंसान है वो भी। अबे साले पोपट, ऐसा वैसा नहीं करने का, अभी तू बड़ा हो गया है। आनंद चाचा अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे सब आता है। बेटे पहले ना हाफ पेंट छोड़ के फुल पेंट पहनना सीख, फिर मैं मानूंगा कि तुझे सब आता है। अरे उसका रास्ता मैंने ढूंढ लिया है। मेरा बापू है ना, मुझे सीढ़ी तला से फुल पेंट नहीं दिलाएगा। आज रात को है ना, मेरा बापू धंधे पे जाएगा। तेरा बाप धंधे पे जाता है रात को? अच्छा, तभी है ना कैची लेके उसकी साली फुल पेंट को हाफ पेंट कर दूंगा। प्लीज मेरे बाप, तू ऐसा मत करना, मैं तुझे फुल पेंट लाके दूंगा। ये आनंद चाचा, मेरे पास फुल पेंट आएगी तो मेरी शादी हो जाएगी। बेटे उसके लिए लड़कियां चाहिए कि नहीं? लड़की तो कितनी मिलती है, एक रुपए की चार। ये ले 50 पैसा, दो लेके आ जा। दो क्यों? एक मेरे लिए, एक तेरे बाप के लिए। की कर रहा है साला? मैं तो मजाक कर रहा था आनंद चाचा। अनिता आपको मालूम है क्या? अनिता है ना अनिता? हाँ। वो मेरे पे फिदा है। क्या बात कर रहा है, अनिता तेरे पे फिदा है? तो वो किताब थी ना फोटो वाली, वो मैंने उसे भी बताई। अच्छा, अबे साले तूने वो सब किताबें उसको बताई? हाँ, वो तो खुश हो गई, मुझे कहने लगी दूसरी बता, तीसरी बता, चौथी। चुप साले, तूने उसको ऐसा तो नहीं कहा ना कि वो सब किताबें मैंने तुझे दी थी? मैं इतना पागल थोड़ी हूँ, मैं उसे बताऊं फिर वो आपके पास आएगी, फिर आप उसे बताओ तो मैं क्या बताऊं? मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा बेटे, तू ही बताना। आनंद चाचा अभी मुझे आगे बढ़ना है। बेटे पहले थोड़ा पीछे से बढ़ जा, आजा इधर बैठ जा। देख मैं तुझे थोड़ी सी टिप्स देता हूँ, बराबर है? मगर कसम खा के बोल के ये सब बातें तू किसी को नहीं बताएगा। आपके पोपट की कसम? अभी साले मेरे पोपट की कसम क्यों खा रहा है? आनंद चाचा आपके पोपट की, मैं आपका पोपट हूँ ना आनंद चाचा, मैं आपका पोपट हूँ। साला तू मेरा ही पोपट है। कोई बात नहीं बेटा, देख
अभी तू बोला है ना कि तुझे सब कुछ आता है, तो उसको इम्प्रेस करने के लिए तुझे कुछ आता है? गाना, शायरी, ऐसा कुछ आता है? वो करके बता तो मैं मानूंगा कि तू बड़ा हो गया है। गाना गाऊं? गागा। अले चल गया ऊपर ले, अटलिया पे लो तनकबू टल ले। पोपट पोपट नीचे उतर, साला ऐसा गाना गाएगा तो उसका बाप अपने पे चढ़ जाएगा, ये नहीं चलेगा। एक काम कर, तुझे शायरी आती है? शायरी? शायरी नहीं, शायरी। में छाइली होता है। हाँ बराबर है, तू पोपट है ना, ठीक है चल बोल। बोल। दूर से देखा। क्या बात है? दूर से देखा। दूर से देखा तो 12 में 5 कम थे। क्या बात है? आंकड़े वाली क्या बात है? दूर से देखा तो 12 में 5 कम थी। दूर से देखा तो 12 में 5 कम थे, पास आके देखा तो 12 बच चुके थे। बराबर, साला इसमें अपना 12 बच जाएगा। तू शायरी मत बोले, तुझे नहीं आती। नहीं, बोलता ना। कुछ और आती है? हाँ, हाँ। अच्छी है, मगर आंकड़े वाली मत बोल। नहीं नहीं, आंकड़े वाली नहीं। हाँ बोल। बोलो बोल। बोलो बोल। डूल छे देखा। तुझे सब दुर्की आती है? हमारे में डूल का ही होता है। अच्छा अच्छा, नक्की तू साला दुर्की पेदास लगता है। चल बोल। डूल छे देखा। डूल छे देखा। डूल छे देखा तो 2 अंडे उबल रहे थे। क्या बात है, कुछ नया है। दूर से देखा तो 2 अंडे उबल रहे थे। दूर से देखा तो 2 अंडे उबल रहे थे। वाह। पास जाके देखा तो 2 गंजे उछल रहे थे। एक कान के नीचे बजाऊंगा ना साला, ऐसी शायरी बोलेगा ना तो तू गंजा हो जाएगा। नहीं चलेगी रे, तू शायरी मत बोल। बोलता हूँ ना, आनंद आएगा। बराबर ना, पक्का पक्का। दूर की तो बोलना ही मत। नहीं, नजदीक आके बोल। चल बोलो। बोल। कुत्ते। किसको बोल रहा है तू? छैली छैली। तो ठीक है साला, मैं बोला के कुत्ते सीधा मुंह पे तो कभी नहीं। पोपट। छैली छैली। ठीक है बोल। जब कुत्ते की मौत आती है। क्या बात है? जब कुत्ते की मौत आती है। आनंद चाचा, जब कुत्ते की मौत आती है। क्या बात है आनंद चाचा? जब कुत्ते की मौत आती है। वाह। जब कुत्ते की मौत आती है आनंद चाचा। जब कुत्ते की मौत आती है आनंद चाचा, आगे क्या? तो कुत्ता मर जाता है। इसमें मैं मर जाऊंगा। तू शायरी मत, तू शायरी बोली मत। मैं जो सिखाता हूँ ना वो बोल। आनंद चाचा एक छाइली। कुत्ते और दूर वाली होगा तो कान के नीचे बजाऊंगा मैं। छाइले। ठीक है, लास्ट लास्ट लास्ट। हाँ चल बोल। बोल बोल। हल छमुंडल का छाइल नहीं होता है। हल छमुंडल का छाइल नहीं होता है। हल छमुंडल का छाइल नहीं होता है। हाँ क्या बात है। हल जहाज में मिजाइल नहीं होता है। वाह। अगर दिलू भाई का सपना नहीं होता तो लुक्के के पास मोबाइल नहीं होता है। वाह वाह वाह। तुझे तो साला घर निकालना चाहिए। बैठ जा इधर, बैठ जा इधर। कभी भी शायरी और गाना बोलना मत। अब मैं सिखा रहा हूँ ना वो बोल, समझा? देख सबसे पहले काम कर, एक थिएटर में जा। थिएटर में गया। 2 टिकट ले। 2 टिकट ली। खोपचे की ले। खोपचे की ली। अनीता को लेके जा। अनीता को लेके गया। अनीता आएगी ना, उसकी माँ भी आएगी। आगे बोलो। उसकी माँ तेरे बाप के लिए रखना भाई, तेरा सोच। अभी मेरे को खुद भी चलेगा, नो चॉइस। हाँ बराबर है, तेरी चॉइस नहीं है बेटे। फिर क्या करना? फिर क्या करूँ आनंद चाचा, फिर क्या करूँ? फिर तू कुछ मत कर, जो भी करना है वो अनीता करेगी, समझ गया? ओके ओके। चल जा रेडे। चलो मुझे दो। क्या दू, इतना तो दिया यार। सिग्नल दो ना। ओके रेडे। 1 2 3। टिकट के लिए पैसे है ना? मेरा बापू के गल्ले में बहुत है। बराबर है, इसके बाप ने ना गल्ले में ना नोट नहीं डाली होगी, चिल्लर डाला होगा, इसलिए साला एक काली चौदस की पैदास है। आनंद आनंद। मरे कैसे हो मौसी जी? आप क्यों इतना गुस्से में हो, कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? हाँ देखना, हम दोनों माँ बेटी ट्रेन से आ रहे थे तो ट्रेन में किसी ने मेरा पॉकेट मार लिया। क्या बात कर रहे हो, आपने पॉकेट कहाँ रखा था? यहाँ। कमाल है, आपने वहाँ पे पॉकेट रखा था, किसी ने हाथ डाल के पॉकेट निकाला, फिर भी आपको पता नहीं चला? ले अब मुझे क्या पता कि वो पॉकेट निकालने के लिए हाथ डाल रहा है। पर आपको तो घर से भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप बेटे, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। वो सब बात में पहले बता, निखिलेश कहाँ है? अब बाबा, हाँ निखिलेश हॉस्पिटल में गया है। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल क्या? अरे क्या मैंने आप लोग को फोन करके नहीं बताया था?
अरे मौसी जी, मैंने निखिलेश को बहुत समझाया, हाथ जोड़े पैर पड़े, बहुत विनती की, मगर मेरी एक बात नहीं मान रहा है। ओहो भाभी जी, मैंने सीमा बहन को भी बहुत समझाया, सीमा बहन को कहा, सीमा बहन आप अपनी बहन का ही संसार तोड़ रही हो, तो मुझे क्या कहा मालूम है? क्या? आनंद भाई, जो होना था वो तो हो गया। इसीलिए वो घर छोड़ के भाग गई। हाथ में तो आने दे, उसकी तो मैं टांग ही तोड़ दूंगी। ए भाभी, ये एड़ी है क्या? नहीं, मतलब हाथ में आएगी तो हाथ तोड़ सकते हैं, टांग कैसे तोड़ सकते हैं? चुप कर। अरे मौसी जी, गुस्सा नहीं करने का, बैठिए आराम से बैठिए, गुस्सा नहीं करने का, सब घर की बात निपटा लेने की। मुझे तेरी नसीहत की जरूरत नहीं है। हाँ तो मुझे भी आपको नसीहत नहीं देनी है, ये तो आप दोनों को घर का समझ रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। अरे भाभी, ये एड़ी है, आप तो समझदार हो। नहीं नहीं, आप सोचिए तो सही, सीमा की अभी अभी सगाई हुई है, ये सब पता चलेगा ना सामने वाली पार्टी को, तो फोक हो जाएगी शादी। मम्मी, आनंद भाई सच कह रहे हैं। क्या सच कह रहे? मौसी जी। हाँ बोल। सीमा कल से घर से भाग के गई है ना। देखना तो आपसे एक फोन नहीं होता है। अब मैं तो जब सुबह घर पहुंची तब पता चला। बोल। हाँ क्यों, रात को अभी भाग गई थी क्या? अरे मैं तो कल दोपहर से घर घाटों पर मैं मोरारी बापू की कथा सुनने गई थी। अच्छा। और घर में कह के गई थी कि अगर रात को देरी हो जाएगी तो मैं अपने भाई के वहां रुक जाऊंगी। अब मुझे क्या पता कि मेरे जाने के बाद ये लड़की अपना मुंह काला करके घर छोड़ के भाग जाएगी। अरे रे 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 रे, मौसी इसमें वो बिचारी का कोई फॉल्ट नहीं है। मुझे क्या लगता है मालूम है, हर टाइम ये चित्रा भाभी निखिलेश के साथ झगड़ा करती है ना, इसीलिए निखिलेश ने तंग आकर ये लफड़ा किया है। अरे क्या बताओ, असल में मेरा सिक्का ही खोटा निकला। अरे इसकी जगह पत्थर पैदा हुआ होता ना तो कपड़ा धोने के लिए काम तो आता। चुप कर। अरे क्या मौसी जी, आप भी कुछ भी बोले जा रहे हो, सब निपटा लेने का। क्या निपटा लेने का? आनंद भाई, इन लोग कब के गए हैं? वो लोग कब के गए? मुझे कह के गए हैं कि आप लोग आए ना तो मैं आपको बिठाऊ। ये एड़ी बैठ गई, आप क्यों खड़े हो? आप भी बैठ जाओ। क्यों? उन लोग की आरती उतारने के लिए। यमराज और जवाई राज दोनों सरीके, ये बात आज साबित करके दिखाई। आनंद भाई, जाते जाते बेटी ने ये दिन भी दिखा दिए। एक बात पूछूं? पूछो। क्या सीमा सचमुच प्रेग्नेंट है? नहीं, सीमा पेट्रोल पंप पे गई थी और वहां जाके उसने हवा भराई है। क्या क्या क्या, झूठ बोल रहा हूँ मैं? कब का आप लोगों को समझाने की कोशिश कर, आप मेरी बात नहीं समझ रहे? अरे भाभी, सीमा है ना, निखिलेश के साथ पिक्चर देखने को गई थी। क्या बात कर रहे हो? वो भी मलयालम। मलयालम? चिन्नी मिन्नी यही हो, ऐसा ऐसा वो कर रहा था, ऐसा 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 हाथ लगा के। हाँ, और गाना गा रहा था। और घर पर आकर तो ऐसे बता रहे थे जिसे कुछ हुआ ही नहीं। हे भगवान, हे भगवान, तूने इन मर्दों को किस मिट्टी से बनाया है? चिनाई की ना? हाँ, चिनाई की मिट्टी से। चिन्नी मिन्नी यही हो। वो दोनों अपना मुंह काला करवा के कौन सी हॉस्पिटल में गए हैं? आपको अपना मुंह काला करवाने कौन सी हॉस्पिटल में जाना है? मार खाना। नंदिनी, नंदिनी हॉस्पिटल में गए। नंदिनी? चल चल चित्रा, तू चल मेरे साथ। हा? लेकिन कहाँ मम्मी? पहले हॉस्पिटल में, बाद में पुलिस स्टेशन। आज उन दोनों को मैंने जेल की हवा नहीं खिलाई तो मेरा नाम भी कांता बहन नहीं। ओ कांता बहन, रेंदो ना गिर जाओगी। चुप। मम्मी थोड़ी देर राह देख लेते हैं। वो दोनों कहीं भाग थोड़ी जाएंगे। हाँ, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। इंतजार? तू बैठ के कर, मैं चली। अरे भाभी, अरे मम्मी, अरे बुड्ढी, अरे कांता, अरे डोसी, अबे साली डोकरी, अली बात नहीं सुन रही है, मर गए। ये लोग अस्पताल में पहुंचेंगे तो लोचा हो जाएगा। निखिलेश को फोन करना पड़ेगा। क्या नाम था? डॉक्टर जांगियानी, साल 8 नंबर ही है। हेलो, डॉक्टर जांगियानी है क्या? वो अंदर है, प्लीज उनको बाहर निकालो। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा सुनिए, वो निखिलेश और वो क्या, वो लोग वहां से निकल गए? मर गए। ये लोग रास्ते में मिल जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे सीमा जी। हाँ? आप क्यों उल्टी आ रही है? ये टाइम पे तो आपको उल्टियाँ करनी चाहिए। मम्मी और चित्रा दीदी कहाँ गए? वो लोग नंदिनी हॉस्पिटल में गए। नंदिनी हॉस्पिटल? अरे क्यों रो रही हो आप, नंदिनी नाम की कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। अच्छा वो कहाँ है, टक्कू कहाँ है? डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ और नारियल पानी और फ्रूट जूस लाने के लिए बोला। अभी तो सारा तेरा खर्चा भी बढ़ गया ना। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, तू जरा भी फिक्र मत करना, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभालूंगा। फिक्र तो मुझे मेरी मम्मी की हो रही है। क्यों? वो बेचारी हार्ट पेशेंट है, ये सब सुनेगी ना तो उसका तो हार्ट ही फेल हो जाने वाला है। पूरे गांव का हार्ट फेल हो जाएगा, तेरी माँ का हार्ट फेल नहीं होगा, क्योंकि हार्ट फेल होने के लिए हार्ट की जरूरत पड़ती है।
और निखिल कुमार, चित्रा दीदी और मम्मी यहाँ पर आए थे। आ गए दोनों। तुम एक काम करो, अंदर जाके हम दोनों के लिए चाय बनाओ ना। प्लीज प्लीज प्लीज, अच्छी बनाना, अदरक वाली। ए भाई, दोनों किस पोजीशन में थे? अरे दोनों के हालात देखने जैसे थे। तेरे नाम काले रहे, छाती कूट रहे, आयरे निकले, सायरे निकले। बहुत मजा आया। मेरे एक बात बोलूं दोस्त? क्या? ये एड़ी का डर लग रहा है, ये कुछ लोचा मार देगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा यार। अरे इसे हम लोग संभाल लेंगे यार। ये क्या लोचा मारेगी, ये बोलने से पहले ही हम लोग कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल के पूरी बात को। निखिल कुमार नहीं, निखिल, और जरूरत पड़े तो खाली निखिल डार्लिंग। क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है? घर में दूध खत्म हो गया है। वापिस दूध खत्म हो गया? चित्रा नहीं है ना इसके लिए। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। अबे तू कहाँ से लाएगा? अरे भाई मैंने भी दो दो थैलियां बंधवाई है, लेके आता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ सीमा, सीमा ये इसमें तुम्हारी दवाइयां है, ये दवाइयां जरा देख लो। देखो ये सुबह उठने के साथ ले लेना। ओके। ये दोपहर का खाना खाने के बाद में ले लेना, और ये रात को खाना खाने के बाद में, और सुबह उठे तो ये एक दवाई ले लेना। ये सारी दवाइयां ले लो, और बाकी कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि तुम फ्रूट जूस पियोगी, दूध वगैरह कुछ पियोगी, नारियल पानी पियोगी तो तुम्हें तकलीफें कम होगी। हाँ, और खर्चे वर्चे की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, आनंद कहता है ऐसे, मैं हूं ना। अब तुम सिर्फ नारियल पानी पियो, आओ बैठो, मैं तुम्हें प्यार से नारियल पानी पिलाता हूँ। पियो पियो, धीरे धीरे, कितना जोर में पी रही है यार। पिलाओ पिलाओ नारियल पानी पिलाओ। अरे भाई जीजा साली को पानी नहीं पिलाएगा तो कौन पिलाएगा? आप उसे पानी पिलाओ, बाद में मैं उसे जहर पिलाती हूँ। मम्मी, अरे चुप कर, मर गई तेरी माँ। तेरी जगह पत्थर पैदा हुआ होता तो कम से कम कपड़े धोने तो काम आता। ओ सासू माँ, जरा धीरे से बात करो, ये तुम्हारा घर नहीं है। अरे हाँ देखा, बड़ा घर वाला, चल चल। ए, जो भी बात करनी है ना शांति से बात करनी, यहाँ चिल्लाना मना है, समझी? चिल्लाना मना है यहाँ पे। अरे धीरे बोलो, आजू बाजू वाले सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? तो सुनने दो, मुझे किसी के बाप की भी फिक्र नहीं है। अरे जय हो राम जी की भैया, दूधवा आ गया है, दूधवा। का है तो गोरा गोरा बुधवा है। अरे का है, साथ में बाबुआ भी आई है। हाँ। बाबा एक काम करो, हम सबके लिए चैया बना दो। हाँ। हाँ, बोले चैया बना दो, वो चाय नहीं रखेगी। तू काहे के बीच में कर कर करती है बुढ़िया? तू क्यों कर कर करता है? चल चल जा। लाई आनंद भाई, मैं चाय रखती हूँ। तू चाय नहीं बनाएगी, तुझे तो डूब मरना चाहिए। सीमा, क्या हमने जो कुछ सुना वो सच है? मम्मी, दीदी, इन लोग की कोई गलती नहीं है, इनको माफ कर दो। मम्मी माफ कर दो? तुझे तो साफ कर दो। अरे जाने के लिए तुझे और कोई जगह नहीं मिली तो और मैं कहाँ जाती? सीमा तू मेरे साथ अंदर चल, मुझे तुझसे बात करनी है। तू अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? इस घर पे अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अच्छा बढ़िया है, अधिकार वाले में जब चाहो तब आ सकती, समझे ना? दीदी इनके साथ झगड़ा मत करो प्लीज, ये तो सब ना। अरे पूरी जिंदगी में तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है जो मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा? अरे पूरी जिंदगी में तुमने जितना प्यार नहीं दिया ना, इतना तो इसने मुझे दो दिन में दिया है। अच्छा दो दिन में प्यार मिल गया तो भूल गए? अरे मिस कह रहे हो उसमें मेरा क्या कसूर है? अरे मैं कहां उसकी बात कर रहा हूँ, जरा जरा सी बात पे झगड़ा कौन करता था? जरा से झगड़ा हुआ कि इस बुढ़िया के घर पे कौन चला जाता था, तुम या मैं? अरे कोई भी आदमी परेशान हो जाएगा सारा रोज की इस किट-किट से। मतलब तू मर्द हो, जो चाहे करो सब चलेगा? मैं मर्द हूँ, मैं जो चाहूंगा करूंगा, जैसे चाहूंगा वैसे रहूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इस स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक। रेंदे भाई गिर जाएगा। हाँ बोला, स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक। अरे अभी मैं जिंदा हूँ, मर नहीं गई, समझा? अरे तो तू जिंदा रहना बुढ़िया, तुझे कौन मरने के लिए कह रहा है? खबरदार, अगर मेरी माँ को बुढ़िया कहा तो? लो बोलो, तो इस बुढ़िया को क्या कहूँ अभी? हाँ लारा दत्ता तो कहो।
ना कहो। अभी एक अल्फाज भी निकाला तो क्या है? अगर सुनने में नहीं आता तो दोनों चलते बनो, चलते बनो। आपको लिए बिना जाने वाली नहीं हूँ। वो तुम्हारे साथ नहीं आएगी, वो अब इसी घर में रहेगी। लेकिन मेरी चित्रा में क्या कमी थी? अरे तुम्हारी चित्रा तो पूरी कमी नहीं थी, कमी ही कमी थी। अरे शादी के बाद जब यहाँ आई थी ना, तब से दिखावे के लिए मंगलसूत्र पहनती थी, यहाँ पे सिंदूर लगाती थी, यहाँ पे खड़ी रह के मेरा इंतजार करती थी। उसके बाद कभी कसम खाने के लिए भी मेरा इंतजार किया है? अरे बैठा क्या है गणेश जी की तरह? तू तो हर रोज का साक्षी है, तू बोल ना। अरे संसार है, चलते रहता है। अरे क्या चलते रहता है, क्या चलते रहता है? पूरे दिन का थका हारा आदमी जब घर पे आता है तब बीबी की एक हल्की सी मुस्कान से उसकी पूरी थकान दूर हो जाती, और ये जब देखो तब मुंह चढ़ा के घूमती रहती है, छोटी छोटी बातों में मेरे कुसूर ढूंढते बैठती है। अरे लालू संसार है, रबड़ी का चलता रहता है। अरे लेकिन कितनी दफा चलता रहता है यार, कभी कभी तो इसके लिए खुश होकर गुलाब का फूल, वेनी, गजरा कुछ लाओ तो प्यार से बालों में सजाने की जगह पे तुरंत सर खाना शुरू कर देती है। कितने में लाए, कितने में लाए, और गलती से एक रुपया अगर ज्यादा देके आया तो सर खा जाती थी मेरा। तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा निर्णय ले लिया? अरे ये छोटी सी बात है, यही तो सुखी दाम्पत्य जीवन के लक्षण है। हाँ। मैं भी युवान हूँ, मेरे भी कुछ अरमान, मन, इच्छाएं, कुछ चीज होती है। बैलेंस बैलेंस, जरा जरा सी बात पे इस बुढ़िया के घर पे चली जाती थी, अब रह सारी जिंदगी इस बुढ़िया के घर पे। मैं भी देखता हूँ बुढ़िया तुझे कैसे रखती है। और मैं भी देखती हूँ सीमा को आपके घर कितने दिन रखते हो। जवाई राज, घर में औरत हो और दूसरी को फंसा के घर में रखना गैर कानूनी है। अरे आपको तो मैंने जेल की हवा नहीं खिलाई ना, तो मेरा नाम भी कांताबेन नहीं। कांताबेन रेवाड़ो ने पड़ी जैसो। चुप कर, चुप चुप, जाओ 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 जाओ, कराओ मुझे अंदर। मैं तो अंदर हो जाऊंगा लेकिन तुम्हारी दोनों लड़कियों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। उसी बात का तो आप फायदा उठा रहे हो, असल में मेरा सिक्का ही खोटा निकला, नहीं तो तुम्हारी ऐसी हालत करती ना कि तुम सात जन्म तक मुझे याद करते। ओ कांता बहन, तुम्हारे पास पूरा सिक्का है ही नहीं, तुम्हारे सिर्फ दो अठनिया है, दो अठनिया, समझी? सिक्का खोटा बोल, अरे तुम्हारा पूरा चिल्लर गलत है। चल चित्रा, आप में एक मिनट, तू अगर चाहे तो यहाँ पे रह सकती है लेकिन मेरी चंद शर्तों के बाद में। शर्त नंबर एक, मेरी बेटी यहाँ नहीं रहेगी। तुम क्या नौकरानी बना के रखना चाहते हो? चल चित्रा, चल तू मेरे साथ। मम्मी लेकिन सीमा को आ जाए तो फिर चलते हैं। खबरदार, उस सीमा का नाम तेरी जुबान पर लाई तो, अगर तूने सीमा के साथ बात भी की तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म। मम्मी क्या? मम्मी लो चाय। नहीं चाहिए तेरे हाथ की चाय, तेरा मनुष्य चेहरा मुझे फिर कभी मत दिखाना। नहीं दिखाऊंगी। इधर दिखा। मम्मी प्लीज, इन लोग की कोई गलती नहीं है, ये सब हेमंत की वजह से हुआ। खबरदार, उस भले इंसान का नाम अपनी गंदी जुबान पे लाई तो। लो कर लो बात, हेमंत भला इंसान। चुप। आपने मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद की है, मेरा दिल दुखाया है। मैं आपको बद्दुआ देती हूँ कि जितने बाल बचे हैं ना वो भी सब जड़ जाएंगे। चल चित्रा। जड़ जाएंगे मतलब बुढ़िया, जब से तेरी लड़की के साथ शादी की है ना तब से मेरे बाल झड़ने लगे। अबे तेरा डायलॉग कब बोलना यार? तो मैं बोलने ही वाला था ना।